हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में जो है वो हम जिस टॉपिक के ऊपर नोट्स देखने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्टकट में हम इसे एमओटी भी कहते हैं और इसे हिंदी में हम जो है वो आणविक कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे वीडियोज आपको अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहां पर जाकर के इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो चैनल में चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्रतिपादन कौन से साइंटिस्ट ने किया हुआ है। तो हुंड एंड मुलिकन ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया हुआ है और इसके लिए 1966 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित भी किया गया है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का थ्योरी का प्रतिपादन हुंड एंड मुलिकन ने किया हुआ है और इसके लिए उन्हें 1966 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो मॉलिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट कहे गए हैं हुंड एंड मुलिकन के द्वारा, वो हम आज के वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 9 से 10 पॉइंट जो है वो बताऊंगी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। सारे टॉपिक को जो है वो आपको अच्छे से याद करना है, पॉइंट डाल डाल के जो है वो आपको लिखना है 1 2 3 4 इस टाइप से। तो सबसे पहला लिखिए आप, जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हुए हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता है एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है। जब दो 1s ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं या अतिव्यापन करते हैं, तो इनके अतिव्यापन के द्वारा जो है वो जब इनका ओवरलैपिंग होता है उसके बाद जो है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षक बनते हैं। हिंदी में कहूं तो जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन करते हैं तो उससे आणविक कक्षक बनते हैं। मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं। इसी चीज को जब यहाँ पे भी कहा गया है, जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस जब एक दूसरे के पास आते हैं, जब इनका ओवरलैपिंग होता है तो न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करके या ओवरलैपिंग करके, मैंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ या तो ओवरलैपिंग करेंगे या इंटरेक्शन करके नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो बनाते हैं, मतलब नया आणविक कक्षक बनाते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो है वो पहला पॉइंट है गाइस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, विथ डायग्राम जो है वो आपको इसे लिखना है। जब दो एटम के न्यूक्लियस आप एक दूसरे के निकट आते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल भी एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं, उसके बाद एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियस है वो जो है वो इस प्रकार से जो है वो आ गए हैं, तो ये आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक जो है वो कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया। अब देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट लिखिए, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनने के बाद उनको बनाने वाले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान समाप्त हो जाता है। अब देखिए जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो जैसे ही ये नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम केवल मॉलिकुलर ऑर्बिटल को ही जानेंगे। तो सेकंड पॉइंट में आपको यही लिखना है कि नया आणविक कक्षक बनने के बाद या फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनने के बाद ये एटॉमिक ऑर्बिटल का जो पहचान है, जो इनका आइडेंटिफिकेशन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब थर्ड नंबर का पॉइंट लिखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिकुलर ऑर्बिटल में यह अंतर होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपको पता है कि एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस, एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। अब अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको पता है केवल यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अब इसके चारों ओर घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ही न्यूक्लियस से जो है वो प्रभावित रहेंगे या एक ही न्यूक्लियस से जो है वो अफेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे दो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, तो इनके चारों ओर घूमने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस से अफेक्ट ना रह करके दो न्यूक्लियस से अफेक्ट रहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है मॉलिकुलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस है जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस से अफेक्टेड रहेगा, मतलब दो नाभिकों से जो है वो अफेक्टेड रहेगा या प्रभावित रहेगा। इससे ही जो है वो थर्ड नंबर के पॉइंट में कहा गया है,
एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिकुलर ऑर्बिटल में यह डिफरेंस होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक न्यूक्लियस या नाभिक के द्वारा जो है वो प्रभावित रहते हैं। तो तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए इसे आप लोगों को, लिखते जाइए इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। अब चलिए फोर्थ नंबर का देखते हैं, केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके सिमेट्री अनुमति देती है एवं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर देती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, उनका जो है वो सिमेट्री भी जो है वो पॉइंट करता है कि सिमेट्री उनका कैसा है, मतलब उनका सममिति कैसा है, और सेकंड चीज उनका एनर्जी लेवल कैसा है। उनका जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, तो कहां से ओवरलैपिंग करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट में यही कहा गया है कि केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देती है एवं जिनकी एनर्जी लगभग समान होती है। पांचवें नंबर का पॉइंट लिखिए, प्रत्येक मॉलिकुलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। यूनिट वन में आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो पाई जाने की जो प्रायिकता होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम जो है वो साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक मॉलिकुलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साइन के द्वारा जो है वो प्रदर्शित करते हैं। छठवें नंबर का पॉइंट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतने ही संख्या में नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में उतना ही नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो बनेगा। सातवें नंबर का है, बंधी आणविक कक्षा को बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई डेल्टा से एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो इसका मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी इसी टॉपिक में। तो बट यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसे हम नॉर्मली सिग्मा या पाई या फिर डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसे सिग्मा स्टार, केवल फर्क ये है कि यहाँ पे स्टार नहीं लगा है और यहाँ पे स्टार लगा है। दोनों के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी अच्छे से। तो सातवें नंबर का पॉइंट समझ आया आप लोगों को। आठवें नंबर का पॉइंट लिखे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अबव हुंड एवं पॉली के नियमानुसार ही होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले इलेक्ट्रॉन होता था वो पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भरते थे, उसके बाद जो है वो ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। तो बीएससी थर्ड ईयर में वो डायग्राम वगैरह नहीं है, बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको जो है वो पढ़ना है। अब चलिए मैं आप लोगों को जो मैं यहाँ पे बताई थी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये सब चीज के बारे में बता देती हूँ। मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है बंधी आणविक कक्षक, जिसे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये वे मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से जो है वो कम होते हैं। मतलब जो आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इस टाइप का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसका जो एनर्जी होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से जो है वो कम होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल मिलकर के कोई नया ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों के एनर्जी लेवल को कंपेयर करें तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी, उसका ऊर्जा जो है वो कम होगा, उसका एनर्जी लेवल जो है वो कम होगा, जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा होगा। तो इस टाइप का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसे हम जो है वो बंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये वे मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से जो है वो कम होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक न्यूक्लियस के द्वारा जो है वो आकर्षित होने लगते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसे फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल एक ही न्यूक्लियस से प्रभावित रहते हैं, जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस हैं, तो दोनों न्यूक्लियस से जो है वो अफेक्ट रहते हैं। ये तो हुआ गाइस बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्या देखा हम लोगों ने कि जो आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी रहेगा वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से जो है वो कम रहेगा, उसे हम जो है वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं।
अब सेकंड नंबर का देखिए, अनाबंधी आणविक कक्षक। इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होता है। मतलब इनका जो एनर्जी लेवल होगा बिल्कुल इक्वल होगा। हम लोगों ने बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था कि मॉलिकुलर एनर्जी का इनका जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में क्या पढ़ेंगे, इनका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, अतः इसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसका नाम ही अनाबंधी है, नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, इसलिए इसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो कहा जाता है। थर्ड नंबर का लिखिए, विपरीत बंधी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से जो है वो अधिक होता है। मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा और इसका एनर्जी लेवल जो है वो कम रहेगा। हम लोगों ने सबसे पहले जो बॉन्डिंग में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, इसका एनर्जी लेवल कम था, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा, जबकि इन दोनों का एनर्जी लेवल जो है वो कम रहेगा। इनके कंपेयर में इनका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा। तो इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इनके सिस्टम का जो भी एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो समझ आएगा इस क्या क्या था हम लोग पढ़े मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स लिख लीजिए। इसके अलावा और भी वीडियो आपको चैनल में मिलते जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में, चेक जरूर करें। एंड आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए इजी रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।